तो दोस्तों ये सवाल मेरे पास काफी टाइम से आता है और लगातार इन्वेस्टर्स का लगभग हर वीडियो पे ये कमेंट आता है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है लेकिन हमारा जो पोर्टफोलियो है इसमें अभी भी एक जबरदस्त लॉस हमें दिख रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कोशिश की है बार बार ये टॉपिक पे आपको समझा पाने की कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो आज हम यही टॉपिक पे यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी 18,000 के ऊपर इस वक्त चल रहा है, लगभग 18,400 के आसपास निफ्टी आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं इनके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट नहीं हो रहा है। उसके दो तीन रीज़न है जो आपको यहाँ पर समझ कर चलने हैं। पहली चीज़ दोस्तों जो आपको यहाँ पर समझनी है कि मेजरली जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने मार्केट के टॉप पे बिल्कुल इन्वेस्ट किया हुआ है। जब मार्केट पिछली बार अक्टूबर 2021 में 18,000 के ऊपर गई थी, मेजरली उस वक्त स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स एंटर हुए थे और वहां पर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की थी। उस टाइम से अभी तक, हालांकि मार्केट का अगर आप निफ्टी की बात करते हैं तो उसी लेवल्स पे दिखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 40-50% नीचे आ चुके हैं। और ये जो स्टॉक मार्केट की अभी रैली है, ये जो निफ्टी 50 की रैली है, ये प्योरली अभी सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के अच्छा परफॉर्म करने की वजह से है। बैंकिंग निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा हुआ है, उसकी वजह से यहां पर अच्छी रिटर्न्स निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिल रही है, क्योंकि जो मेजर प्रोपोर्शन है निफ्टी 50 में वो बैंक निफ्टी का ही होता है। 30-40% पैसा निफ्टी में फाइनेंशियल सेक्टर का होता है, तो वो उस वजह से यहां पर आपको निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास दिख रही है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे आईटी सेक्टर आप देखिए, फार्मा सेक्टर आप देखिए, इसके अलावा आप देखेंगे जो मेजर सेक्टर्स हैं जो पिछली बुल रन में परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था, वो सारे ही सेक्टर्स इस वक्त परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जो मेजर कंपनीज भी हैं वो भी अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा नीचे हैं। जो मेजर कंपनीज की अगर हम बात करते हैं, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड जैसी कंपनीज, इंफोसिस, टीसीएस, ये कंपनीज जो मेजर पार्ट रखती है और काफी सारे इन्वेस्टर्स इन कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो और ये कंपनी काफी ज्यादा गिरी हुई है। जो मार्केट में इस वक्त उछाल देखने को मिल रहा है बैंकिंग सेक्टर में उछाल है, और उसमें भी अगर आप देखेंगे पीएसयू बैंक जो है जिसपे कहीं पर भी कोई इन्वेस्ट कहीं कर रहा था, वहां पर 50% की रैली सिर्फ एक साल में देखने को मिली है, क्योंकि बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड माने जा रहे थे पीएसयू बैंक्स, वहां पर 50% की रैली आई है। और उसके अलावा पीएसयू स्टॉक्स में भी एक अच्छी खासी रैली आई है। और देखिए, जो पीएसयू स्टॉक्स होते हैं, पीएसयू बैंक्स होते हैं, ये कभी भी एक रिटेल इन्वेस्टर्स को 5-7-10 सालों के लिए होल्ड करने की सजेशन कभी भी नहीं दी जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा वल्नरेबल रहते हैं जितने भी पीएसयू स्टॉक्स हैं। तो ये जो मार्केट में निफ्टी 50 इंडेक्स में स्पेसिफिकली ऑल टाइम हाई के आसपास आपको दिख रहा है, वो इन कुछ रीजंस की वजह से है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहां पर और सेक्टर्स को देखेंगे और मार्केट कैप्स को देखेंगे, स्मॉल कैप को देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 15-20% नीचे है, मिड कैप इंडेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई के पास नहीं पहुंचा है, और ब्रॉडर मार्केट में अभी भी वो ऑल टाइम हाई वाला जो बुलिशनेस होती है वो अभी भी नहीं आई है। उस चीज को आपको समझकर चलना है, आपको ये चीज नहीं सोचनी है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई है तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। अभी भी देखिए मार्केट बहुत ज्यादा अनसर्टन है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी है, ऑलरेडी 2023 में स्लो डाउन रहने वाला है अक्रॉस द वर्ल्ड, ये चीज तो ऑलमोस्ट सर्टन हो चुकी है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के एस्टिमेट 6.8% के आसपास लगाए गए हैं, जो कभी 7.5-7.7% के लगाए जाते थे, तो स्लो डाउन आ गया है। उसके अलावा यूएस में जो इकॉनमी है वहां पर और भी बुरा हाल है, बातें चल रही हैं कि 2023 में यूएस में रिसेशन आ सकता है, यूके, यूरोप, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर एक बहुत बुरा हाल अभी इकॉनमी का देखने को मिल रहा है, तो उन चीजों को भी आपको यहां पर समझकर चलना है। तो इंडिया की जो कंपनीज बाहर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, फार्मा सेक्टर हो गया, इसके अलावा आईटी सेक्टर, केमिकल सेक्टर, ये सेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा यूरोप यूएस में डिपेंडेंट है, यहाँ पर अभी भी उछाल नहीं आया है और आने वाले 5-6 महीने में भी आपको देखने को मिल सकता है कि उछाल ना आए। और स्पेसिफिकली जो कंपनीज 2020-2021 में परफॉर्म कर रही थी वो कंपनीज अभी परफॉर्म नहीं कर रही, और रिटेल इन्वेस्टर्स ने मेजरली उन कंपनीज में ही अपना पैसा इन्वेस्ट किया है 2020-2021 के रनअप में जो कंपनीज चली थी, CDSL हो गया, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हो गया, IRCTC जैसी कंपनीज, इन कंपनीज में रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया। और मैंने आपको एक चीज हमेशा से बोली है कि जब
बुल रन, नया बुल रन शुरू होता है तो जो पुरानी कंपनीज है जिन्होंने परफॉर्म किया होता है, जरूरी नहीं है कि वही कंपनीज परफॉर्म करे। जो ये चीज है ये साइकिल की तरह चलती है मार्केट, और यहां पर वो कंपनीज इस वक्त परफॉर्म कर सकती है आने वाले 6-8 महीने में जिन्होंने पिछली बुल रन में भी परफॉर्म नहीं किया था और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। ये चीज मैं आपको रिपीटेडली पिछले 6 महीने से बताते हुए आ रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको वही चीज बोल रहा हूं कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से 5-7-10 सालों के हिसाब से इन्वेस्ट करिए। और दूसरी चीज देखिए, ये चीज आपको समझकर चलनी है कि मार्केट में जो भी चीज चल रही है, मार्केट में निफ्टी किस लेवल पे चल रही है, आपको वो देखकर इन्वेस्ट नहीं करना है, ना अपने पोर्टफोलियो को आपको उससे कंपेयर करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे कंपैरिजन करोगे तो आपको इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। आप कंसिस्टेंटली अच्छे स्टॉक्स को नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट करते रहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और जैसे जैसे मौके मिलते हैं तब वो स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, ऐसा ही हर बुल रन में देखने को मिलता है। क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते हैं हम लोग उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, फिर जब नेक्स्ट बुल रन आती है तो वही स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं जिन्होंने पहले परफॉर्म नहीं किया था, और हम लोग वो चीज़ की वजह से दोबारा से उन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, वो कंपनीज ऊपर पहुंच जाती हैं, जिसका मैंने हमेशा से SBI, ITC, M&M ये कंपनीज का हमेशा से आपको एग्जांपल लेकर पहले भी बताया था, और अभी भी मैं यही चीज बोलूंगा कि अब ये कंपनीज अच्छा रन अप दे चुकी है, वो कंपनीज जो परफॉर्म नहीं कर रही है या अभी भी अंडर परफॉर्मेंस उन कंपनीज में दिख रही है, उन कंपनीज को आप धीरे धीरे करके ऐड करते रहिए। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है ये लॉन्ग टर्म का खेल है, 6 महीने, साल भर, 2 साल में परफॉर्मेंस नहीं हुई तो फर्क नहीं पड़ता। कंसंट्रेट करिए, सेक्टर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशंस अच्छी हैं, इन चीज़ों पे ध्यान रखिए, रिटर्न्स अपने आप स्टॉक मार्केट में जनरेट होने लगेगी, क्योंकि यही एक मार्केट का तरीका है चलने का। रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे ही फेल होते हैं, क्यों रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट छोड़ के जाते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ दिक्कत यही होती है कि हमें लगता है कि मार्केट में 6 महीने, साल भर में एक अच्छी रिटर्न आनी चाहिए, जो कि जरूरी नहीं है। इसलिए हमेशा से बात होती है कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करिए। तो आपको अभी भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में नहीं है, बस अपने पोर्टफोलियो में कंपनीज को देख लीजिए, कंपनीज फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं, अच्छे खासे वैल्यूएशंस में हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहिए। एक जब साइकिल मार्केट की घूमेगी, आपके स्टॉक्स की बारी आएगी, तो के स्टॉक्स में अच्छी रिटर्न्स डेफिनेटली आएगी अगर वो स्टॉक्स आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं। इसलिए मैं आपको फिर से यही बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, और ये चीज आप गलत फहमी माइंड से निकाल दीजिए कि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे है, मिड कैप, स्मॉल कैप और मेजरली जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे चल रही है। तो उस चीज को आपको यहां पर समझकर चलना जरूरी है, सिर्फ निफ्टी के लेवल्स देखकर आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से हेल्प होगी। धन्यवाद।